हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप किस तरह गूगल मैप्स पे अपने घर की, स्कूल की, होम की, शॉप की, रेस्टोरेंट की या किसी भी चीज़ की लोकेशन को ऐड कर सकते हो गूगल मैप्स पे बहुत ही आसानी के साथ। और इसके लिए हम अपने इस्तेमाल करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन को। आप मोबाइल फ़ोन से ईज़िली अपने घर, होम, शॉप, हॉस्पिटल या किसी भी चीज़ की लोकेशन को गूगल मैप्स पे ऐड कर सकते हो। तो आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना है, ताकि आप कोई भी ये चीज़ जो है वो मिस ना कर दो और आपकी लोकेशन जो है वो रिजेक्ट ना हो जाए। तो आपने कंप्लीट वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी लाजमी करके जाना है। और बगैर ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। जी हाँ गाइस, तो आ गए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। और सबसे पहले आपने इंटरनेट को कनेक्ट कर लेना है और अब हम ओपन करते हैं गूगल मैप्स को। यहाँ पे मैंने गूगल मैप्स पर क्लिक की और इसको ओपन कर लिया। और यहाँ पे आपने अपनी लोकेशन को भी ऑन कर लेना है। यहाँ पे मैंने देखें कि लोकेशन पे ऑफ करके दोबारा ऑन कर लेता हूँ। लोकेशन को भी आपने ऑन कर लेना है। और यहाँ पर एक और सेटिंग चेंज करनी है, ये माइक के पास, ये जो छोटा सा माइक शो हो रहा है इसके पास आपके अकाउंट की लोगो शो हो रही होगी, यहाँ पे आपने क्लिक करनी है। और यहाँ पे नीचे आ जाना है आपने सेटिंग्स में, नीचे सेटिंग्स लिखा हुआ है, इस पर करें क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे इसको थोड़ा सा पेज को नीचे की तरफ ड्रैग करते जाएं तो नीचे लिखा हुआ है स्टार्ट मैप्स इन सैटेलाइट व्यू, यहाँ पे आपने इसको ऑन कर लेना है। ये पहले ऑफ होगा, इसको लाजमी ऑन कर लें। जैसे ही ऑन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से लोकेशन शो होना शुरू हो जाएगी और हमारे घर वगैरह भी शो होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम एक लोकेशन को ऐड करने जा रहे हैं। नीचे चार पाँच ऑप्शन आ रही हैं, एक्सप्लोर, गो, सेव्ड, कंट्रीब्यूट और अपडेट की। आपने कंट्रीब्यूट पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप कंट्रीब्यूट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके सामने आपकी प्रोफाइल शो हो जाएगी। यहाँ पे देखें कि मैंने ऑलरेडी 62 कंट्रीब्यूशंस कर रखी हैं और मेरे पास इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं जो मैंने ऑलरेडी चीज़ें ऐड की हुई हैं। तो यहाँ पे आप एक और लोकेशन को ऐड करता हूँ, ऐड प्लेस की ऑप्शन शो हो रही है हमारे पास। ये देखें, ऐड प्लेस पर मैंने क्लिक की, सामने आपके यहाँ पर शो हो रही है ऐड अ प्लेस। हमारे पास एक विंडो या एक टैब नहीं ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी अपने प्लेस के रिलेटेड। प्लेस नेम लिखना है। सबसे पहले मैं प्लेस का नेम लिखता हूँ, वलीद हेयर सैलून, ये मैंने नाम रख दिया वलीद हेयर सैलून। कैटेगरी में आपने यहाँ से खुद कैटेगरी ढूंढनी है जिस रिलेटेड आपकी चीज़ हो। तो ये भाई हेयर ड्रेसर है, ये मेरा कज़न ही है तो ये हेयर ड्रेसिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम हेयर ड्रेसर भी लगा सकते हैं, बारबर शॉप भी लगा सकते हैं, तो आई थिंक बारबर शॉप बेहतर रहेगा। तो ये हमारे पास आके ये वाली हेयर ड्रेसर भी लगा दें, दैट्स फाइन, दोनों आ सकती थी कैटेगरी, मैंने ये लगा दी। नेक्स्ट आपने यहाँ पे एड्रेस पर जब आप क्लिक करेंगे नीचे लिखा हुआ है एडिट मैप लोकेशन, यहाँ पर एडिट मैप लोकेशन पर आपने क्लिक करनी है। यहाँ पर अब आपकी मेरी जो ओरिजिनल लोकेशन है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ फ़िलहाल वो ये है मेरे घर में, लेकिन मेरे घर से थोड़े से 2-3 घर दूर ये जो है, इतना सा बस दूर ये हमारे पास ये हेयर सैलून है। तो यहाँ पे ये हेयर सैलून है, आपने अब उस जगह पे जाके लोकेशन को ऑन करना है। तो आपकी लोकेशन के ऊपर ही इस तरह ये शो हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोकेशन को खुद घर बैठे कोई भी लोकेशन ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सैलून के सामने इसको ले कर चला जाता हूँ रोड पर। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे ये एग्जैक्ट लोकेशन है, इसको मैं करता हूँ ओके। जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पे हमारी लोकेशन जो है वो डन हो गई है। अब एक ही चीज़ रह गई है, वो है सबमिट करने की। ऐड मोर डिटेल्स, आप यहाँ पे डिटेल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, ये कब ओपन होता है और इसके आवर्स ऑफ ओपनिंग, एनीथिंग, ये आप बाद में भी कर सकते हो। और आपने यहाँ पर ऐड करनी है एक इमेज या कोई भी इमेज आप ऐड कर सकते हो सैलून की, यहाँ पे ऐड फोटोज़ पे क्लिक करके जो भी आपने फ़ोटो अपलोड करनी हो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अलाउ करें तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह आ जाएंगी, तो आप कोई भी यहाँ से अपलोड कर सकते हो। फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही सबमिट करने जा रहा हूँ,
सबमिट पे हमने क्लिक कर दी, सेंडिंग लिखा आ रहा है और ये हमारी लोकेशन जो है वो ऐड हो चुकी है, प्लेस एडेड। ये 24 आवर्स के बाद ये लोकेशन लाइव आ जाएगी। इसके बाद आपको एक ईमेल रिसीव होगी, आपने जिस जीमेल से आपने ये लोकेशन ऐड की है तो आपको वहाँ पे ईमेल भी आ जाएगी, तो ये लोगों को भी दिखना 24 आवर्स के बाद शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।